हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, जो है डेटा साइंस। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज डेटा साइंस? सबसे पहले हम देखते डेटा क्या होता है। डेटा कोई भी रॉ इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है जैसे स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो सकता है, विच वी गेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन वेरियस फॉर्मेट्स। साइंस का मतलब ये जो रॉ डेटा हमको मिला है उसमें से करेक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना बाय यूजिंग वेरियस साइंटिफिक मेथड्स एंड टूल्स। सो बेसिकली डेटा साइंस इज द एरिया ऑफ स्टडी विच इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्टिंग इनसाइट्स फ्रॉम वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा बाय द यूज ऑफ वेरियस साइंटिफिक मेथड्स, एल्गोरिदम्स एंड प्रोसेस। इट हेल्प्स यू डिस्कवर हिडन पैटर्न्स फ्रॉम द रॉ डेटा। वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। In short, we can say that the data is all about asking the correct questions and analyzing raw data, modeling the data using various complex and efficient algorithms, visualizing the data to get a better perspective, understand the data to make better decisions, and finding the final result. So, let's understand why the data science is needed, the need for data science. कुछ सालों पहले डेटा काफ़ी कम हुआ करता था और जहाँ से भी हमको डेटा मिलता था वो मोस्टली स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता था, विच कुड बी इजीली स्टोर्ड इन एक्सेल शीट्स एंड प्रोसेस्ड दैट डेटा यूजिंग बिजनेस इंटेलिजेंट टूल्स। बट इन टूडेज वर्ल्ड डेटा इज बिकमिंग सो वास्ट, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 2.5 क्विंटल बाइट्स ऑफ डेटा इज जनरेटिंग ऑन एवरी डे। और 2020 के रिसर्चेस में भी ये बताया गया है कि अब पर सेकेंड धरती पर रहने वाला इंसान एक सेकेंड में 1.7 MB डेटा जनरेट कर सकता है या क्रिएट कर सकता है। तो अब आप ही सोचिए कितना टाइम और एफर्ट्स लगेगा कुछ ऑर्गेनाइजेशन को इतने सारे डेटा को हैंडल करने में, टू हैंडल सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। सो टू हैंडल द प्रोसेस एंड एनालिसिस ऑफ दिस वी रिक्वायर सम कॉम्प्लेक्स पावरफुल एंड एफिशिएंट एल्गोरिदम्स एंड टेक्नोलॉजी, एंड दैट टेक्नोलॉजी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज डेटा साइंस। इन ऑर्डर टू मेक द कंक्लूजन अबाउट द इंफॉर्मेशन आफ्टर एनालाइजिंग रॉ डेटा, डेटा एनालिटिक्स कम्स इनटू पिक्चर। नेक्स्ट वी सी टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स। चलिए अब समझते हैं कितने टाइप्स के डेटा एनालिटिक्स होते हैं। बेसिकली देर आर 4 टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स। फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, सेकेंड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, थर्ड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स एंड फोर्थ स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। सो बेसिकली इट इज अ primary stage of data processing which process the data and creates a summary of historical data जिससे हमें useful information मिल सकता है और ऐसे data prepare करता है जिस पे हम और analysis कर पाए। So basically it's summarizing or describing the existing data using existing business intelligence tool to better understand what is going on or what has happened। सो बेसिकली दो टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में, वो है डेटा एग्रीगेशन एंड डेटा माइनिंग। मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है डेटा एग्रीगेशन एंड डेटा माइनिंग। दीज आर द टू टेक्निक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ठीक है, सो डेटा एग्रीगेशन एंड डेटा माइनिंग विच स्टेट्स दैट दिस मेथड इज प्योरली यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ डेटा, डेटा का पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए या डेटा रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करने के लिए ये दो मेथड यूज करना होता है। क्वेरिंग, रिपोर्टिंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन मे बी अप्लाइड टू यील्ड मोर इनसाइट्स। बाय माइनिंग हिस्टोरिकल डेटास कंपनीज कैन एनालाइज द कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड एंगेजमेंट विद देयर बिजनेस एंड कुड बी हेल्पफुल इन टारगेटिंग मार्केटिंग सर्विस इम्प्रूवमेंट्स एक्सेट्रा। तो BI टूल्स डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है वो है, जो BI टूल्स डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है वो है MS Excel, MATLAB,
SPSS सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस बेसिकली यूज किया जाता है टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर आउटकम्स, पॉसिबली आगे क्या होगा। अगर हम ये पर्टिकुलर डेटा एज ए इनपुट देते हैं तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, वो प्रिडिक्ट करने के लिए हमको प्रिडिक्टिव एनालिसिस यूज किया जाता है। तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस रिलाइज ऑन मशीन लर्निंग, इसलिए कंपनीज को हमेशा ट्रेन डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। जो बिजनेस इंटेलिजेंट टूल्स प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं वो है पाइथन, आर प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा। सो वन क्वेश्चन कम्स इनटू योर माइंड दैट व्हाई दिस प्रिडिक्टिव एनालिसिस इज सो इम्पॉर्टेंट। आई टेल यू व्हाई। टू ऑप्टिमाइजिंग मार्केटिंग कैंपेन्स, इम्प्रूव ऑपरेशंस, रिड्यूसिंग रिस्क, डिटेक्टिंग फ्रॉड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स गैदर्स द डेटा फ्रॉम बोथ डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिडिक्टिव रिसोर्सेज। आफ्टर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन इट कैन सजेस्ट ऑल फेवरेबल आउटकम्स। Yes, it suggests you all favorable outcomes. Hence, it uses a strong feedback system that constantly learns and updates the relationship between the action and the outcome. Because of its power to suggest favorable solutions, prospective analytics is the final frontier of advanced analytics. Next is statistical inference. Statistical inference is the process of analyzing the result and making the conclusion from data subject to random variations. It is also called inferential statistics. So basically the statistical inference is divided into two categories. The first is descriptive statistics, which is used to synopsize from a sample exercising the mean or standard deviation. And next, second is inferential statistics, used when data is viewed as a subclass of specific population. So basically the main purpose is to estimate this uncertainty or sample to sample variations. Hypothesis testing and confidence intervals are the applications of statistic inference. So let's understand the life cycle of data science, this data science life cycle. The first step is discovery. Second step is data preparation. Third step is model planning. Fourth step is model building. Fifth step is operationalize. And sixth is communicate result. Let us understand one by one. First is discovery. So the first phase is discovery. The first phase of data life cycle is discovery. Discovery step involves acquiring the data from all the identified internal and external sources. जो help करेगा आपको कि आपके जो भी business questions है उसको answer करने के लिए, यानी उसका solution निकालने के लिए. So this is the first step of data life cycle, which involves asking the right question. आपको कब प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, डेटा साइंस का प्रोजेक्ट आपका कैसा रहेगा, उसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी प्रायोरिटीज क्या है, प्रोजेक्ट का बजट क्या है, ये सारी चीज़ें इस स्टेप में कवर की जाती है। एंड द स्टेप द विच इज़ वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ डेटा लाइफ साइकिल इज डिस्कवरी। और डेटा हमको कहीं से भी मिल सकता है। द डेटा कैन बी लॉग्स फ्रॉम द वेब सर्वर्स, डेटा गैदर्ड फ्रॉम द सोशल मीडिया, सेंसस डेटा सेट्स, डेटा स्ट्रीम फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज एक्सेट्रा। तो आपको कहीं से भी यहाँ पे डेटा मिल सकता है। तो बेसिकली इन दिस फेज वी नीड टू डिटरमाइन ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। क्लियर। Next, second step is data preparation. So data can have lots of inconsistency, like missing values, blank columns ho sakte hai, incorrect data format ho sakta hai, which needs to be clean. Humko ye jo data humko alag alag sources se mil rahe hai, jisme bahut sari inconsistencies hoti hai, to usko sabse pehla step hai data preparation ka, ki aapko sabse pehle data ko clean karna padega. Okay, so the following, in this phase we need to perform the following task. The first task is to clean the data. Next is to data reduction.
Next, data integration and data transformation. So you need to process, explore and condition data before modeling. The cleaner your data, the better are your predictions. That is the phrase. जितना क्लीन आपका डेटा होगा उतना ही आपको प्रेडिक्शंस करने में आसानी होगी. After performing all the above tasks, we can easily use this data for our future processes. Next is model planning. In this phase, we determine the various methods and techniques to establish the relationship between the input variables. In short, in this stage, you need to determine the methods and techniques to draw the relationship between the variables. Planning for the model is performed by using different statistical formulas and visualization tools. Though the common tools used for the model planning, जो tools model planning के लिए use किए जाते हैं, वो है SQL Analysis Services, then है R, and SAS and Access भी हो सकता है, और है Python. तो ये सारे tools है जो आपको model planning के दौरान use करने होते हैं. The next is, fourth is model building. तो मॉडल बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? In this step, the actual model building process starts. Here, the data scientist distributes the data sets for training and testing. तो यहाँ पे बहुत सारे techniques use किए जाते हैं, like association, classification and clustering are applied to the training data sets. So the model once prepared is tested against the testing data sets. Okay. The next is the following are some common model building tools. जो tools use किए जाते हैं वो है SAS Enterprise Miner, फिर है Weka software use किया जाता है, SPCS Modeler and then MATLAB भी use किया जाता है for model building. Next है operationalize. So in this stage you deliver the final baseline model with reports, code and technical documents. आपके सारे technical documents इस stage में होते हैं, आपको deliver करने होते हैं. This is the final step. Then model is deployed into the real-time production environment after thorough testing. काफी अच्छी तरीके से testing की जाती है and customer को deliver किया जाता है. ठीक है? Next है communicate results. So in this stage, the key findings are communicated to all the stakeholders. This helps you to decide if the result of the project are success or a failure based on the input from the model. We will communicate the findings and the final result with the business teams. So next hai, tools used for data science. Data science ke tools kaun se hai? So there are various tools are available for data science. That is R, SQL, Python, SAS, MATLAB, Java, many more like Ruby on Rails, C#. All these are the tools used for data sciences. Okay, so here the categories are also divided, like data analysis कौन सा tools use करेगा, data warehousing के लिए कौन सा tool use होगा, data visualization के लिए कौन सा tool use होगा. तो इसी ये जो जितने भी tools है हमारे पास data science के, वो अलग अलग categories में बाद में divide हो जाते हैं कि data analysis कौन, particular data analysis जो करेगा वो कौन सा tool use करेगा, data warehousing है तो data warehousing में कौन सा tool use होगा, data visualization के लिए कौन सा टूल होगा, मशीन लर्निंग के लिए कौन सा टूल यूज होगा. इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग टूल्स का यूज किया जाता है. ठीक है? नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस. सो फर्स्ट इज इंटरनेट सर्च. यस, इंटरनेट सर्च इज द एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस. कैसे? गूगल सर्च यूज डेटा साइंस टेक्नोलॉजी टू सर्च अ स्पेसिफिक रिजल्ट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. जो भी आप डेटा इंटरनेट पे सर्च करते हो वो आपको मिनट, विद इन अ सेकेंड, जैसे आपने टाइप किया वैसे ही आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन वो लाके देगा. तो ये भी एक एप्लीकेशन हुआ डेटा साइंस का. ओके, सो नेक्स्ट क्या है? रिकमेंडेशन सिस्टम. रिकमेंडेशन सिस्टम्स क्या होता है? टू क्रिएट अ रिकमेंडेशन सिस्टम. एग्जाम्पल, आपको सजेशन आते हैं फ्रेंड्स के, आपने किसी को वीडियो सजेस्ट किया है,
ठीक है, या आपको ये वीडियो देख रहे हो तो आपको थोड़ी देर के बाद सजेशंस आने शुरू हो जाते हैं कि ये वीडियो, दिस वीडियो इज सजेस्टेड फॉर यू, और दिस पर्सन, दिस फ्रेंड इज सजेस्टेड फॉर यू. अगर आपने कोई फ्रेंड एक्सेप्ट किया, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है आपके किसी फ्रेंड का, तो आपको फिर उसके हिसाब से आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड रहेगा या उसका कोई फ्रेंड रहेगा, तो वो भी आपको क्या करता है, सजेस्ट करता है, है ना. तो ये होता है रिकमेंडेशन सिस्टम. नेक्स्ट है इमेज एंड स्पीच रिकग्निशन. सो डेटा साइंस इज करेंटली यूजिंग फॉर इमेज एंड स्पीच रिकग्निशन. व्हेन यू अपलोड एन इमेज ऑन फेसबुक एंड स्टार्ट गेटिंग द सजेशंस टू टैग टू योर फ्रेंड्स, दिस ऑटोमेटिक टैगिंग सजेशन यूजेस इमेज रिकग्निशन एल्गोरिदम विच इज अ पार्ट ऑफ डेटा साइंस. ठीक है, व्हेन यू से समथिंग लाइक, जैसे आप बोलते हो ना कि ओके गूगल मुझे मेरा नाम बताओ, है ना, तो गूगल भी आपका नाम बता सकता है. देखो मैंने यहाँ पे ओके गूगल बोला तो ये मेरे मोबाइल में तुरंत अपने आप ओके गूगल शुरू हो गया. सो जब आप ऐसे चीज़ें बोलते हो तो वो सुन लेता है, लाइक गूगल असिस्टेंट है या अलेक्सा है. तो ये जो है रन्स ऑन द टेक्निक्स ऑफ डेटा साइंस. ये सारी चीज़ें डेटा साइंस के एप्लीकेशन का ही यूज़ करती है. ओके, एंड दिस डिवाइसेस रिस्पॉन्स एज पर वॉइस कंट्रोल. आपका वॉइस कंट्रोल कैसा है, सो दिस इज पॉसिबल विद स्पीच रिकग्निशन एल्गोरिदम. नेक्स्ट है गेमिंग वर्ल्ड. गेमिंग वर्ल्ड, इन द गेमिंग वर्ल्ड द यूज ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इज इंक्रीजिंगली डे बाई डे. लाइक EA स्पोर्ट, सोनी, निंटेंडो आर वाइडली यूजिंग डेटा साइंस फॉर एनहांसिंग यूजर एक्सपीरियंस. तो एंड देन लास्ट इज ऑनलाइन प्राइस कंपैरिजन. तो यहाँ पे भी ऐसा है कि प्राइस रनर, मतलब आपने कुछ सर्च कर रहे हो ऑनलाइन, कुछ सर्च कर रहे हो, तो क्या होता है कि आपको उस रिलेटेड, सपोज आपने कोई ड्रेस सर्च किया या आपने कोई शूज सर्च किया, तो उसके रिलेटेड बहुत सारे और ई कॉमर्स वेबसाइट्स होंगी जहाँ पे आपको प्राइस कंपैरिजन पूछेगा. ठीक है, तो ये भी एक एप्लीकेशन है डेटा साइंस का. तो इसी तरीके से डेटा साइंस बहुत सारी जगहों पर यूज किया जाता है. आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा. फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ. स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टेक्नोलॉजी फॉर मोर अपडेट्स.